GT5 के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो भाई माइकल के घर पे माइकल बस अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहा था। डेली रूटीन में उसका आता है रिटायर्ड लाइफ और दारू। लेकिन तभी जब वो जब फ्रीजर खोल के देखता है ना, तो भाई उसे वीड का एक प्रॉपर पैकेट मिलता है। वीड जिसको नहीं पता है, मैं हिंदी भाषा में बता दूँ, इसको गांजा बोलते हैं गाइस। और भाई ये जो गांजा है ना, ये बिलोंग करता है इसके बेटे जिमी को। तो भाई इसको जब ये सारी चीज़ें इसने नोटिस की, भाई इसका बेटा गलत चल रहा है, बेटी गलत चल रही है, और भाई वाइफ तो गलत चल ही रही है। अगर आप लोगों ने टेनिस कोच वाला एपिसोड देखा है तो आप सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो भाई इन्हीं चीज़ों को लेकर उसकी वाइफ अभी मुझसे बहस कर रही होती है कि भाई तुमने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रखा, तुमने अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं रखा। और भाई बहस अलग लेवल पर चल रही होती है। तभी माइकल कहता है, भाई बात सुनो, मैं सिर्फ रिटायर हुआ हूँ, इसका मतलब ये नहीं है खैर मैं सारी चीज़ें छोड़ चुका हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी मैं स्ट्रगल कर लिया है कि मैं तुम सब पे कितना ध्यान रखूँगा। तभी ये कहती है, मुझे ना तुम्हारी बेतु की बातों से कोई मतलब नहीं है, मुझे करने जाना है योगा, और मेरा जो योगा टीचर है वो बस आने वाला होगा। तो तभी वो ऐसे बोलता है, किसी ने यहाँ पर योगा कहा? तभी वो नमस्ते नमस्ते बोलने आता रहता है, माइकल से बोलता है नमस्ते, वो कहता है मेरा लाइक हमेशा वाला डायलॉग, फक योरसेल्फ। तो भाई ये डायलॉग सुन के उसकी वाइफ कहती है, भाई तुम इससे ऐसे बात नहीं कर सकते, मेरा योगा टीचर है। तो वो बोलता, भाई तेरे सारे टीचर मैं जानता हूँ, योगा टीचर भी जानता हूँ, तेरा टेनिस टीचर भी जानता हूँ। फिर उसका बेटा तभी एंट्री करता है और वो खोलता, भाई मेरा वीट का पैकेट निकाला कि मैंने ठंडा होने के लिए रखा था, उसकी बनाने वाला था मैं ठंडा ही, भाई ठंडा ही बनाने के लिए रखा था, तुमने निकाला। भाई तभी योगा की बात सुनकर वहाँ पर बंदा एंटर करता है और माइकल के चेहरे से हवाइयाँ उड़ चुकी होती हैं। बंदा था ट्रेवर, और भाई ट्रेवर से माइकल मिल रहा था पूरे 10 साल के बाद। गाइस जस्ट इमेजिन, आपका कोई फ्रेंड है, आपसे उसकी बात कुछ टाइम पहले बंद हुई है, और वो 10 साल के बाद आपसे अचानक से आके मिले, और भाई तब वो अपने पुराने सारे हिसाब चुकता करे, भाई तब तूने मुझे टाइम नहीं दिया था, अब ना है वो टाइम लेने के लिए। तो भाई माइकल ये सोच के डर जाता है कि भाई ट्रेवर बहुत ही खूंखार टाइप का आदमी था पहले भी और अभी भी, ये अगर उसकी फैमिली को कुछ ना करते तो अपने बेटे को पीछे छुपा लेता है। ट्रेवर बोलता है, मैं ऐसा कुछ करने आया नहीं हूँ माइकल, मुझे पता है कि तू मेरा दोस्त है और मैं तुझे आज भी दोस्त की तरह से ही देखता हूँ। ये सारी बातें सुन के माइकल कहता है कि ठीक है यार, मैं पता है कि मैं तुझे ढूंढने नहीं आया, मुझे पता था कि तू जिंदा बच के निकला था, तू इकलौता बंदा था जिंदा बच के निकला था और मुझे आना चाहिए था। वो कहता, भाई आना चाहिए था, अब तक मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था तुम्हारे सारे कामों में, बट नहीं किया तुमने इंक्लूड। फिर वो कहता, भाभी जी, भाभी जी आपने पहचाना मुझे, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। एंड भाई फिर कहता है, ये तुम्हारा लड़का है, बट तुम्हारा लड़का लग नहीं रहा, लग किसी और का रहा है, लेकिन ये कौन है? ये डबल पसली सिंगल हड्डी, ये है योगा टीचर? भाई योगा नहीं, तुझे खाना खाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा वाला वो भी। फिर वो कहता, भाई तुम्हारी एक लड़की भी थी ना, वो लड़की कहाँ पर है, उससे भी मिलाओ मुझे। तो माइकल अपने बेटे से पूछता, भाई लड़की है कहाँ? तो वो लड़का जो थोड़ा झिझकता है, फिर बताता है कि भाई वो गई है हीरोइन बनने के लिए, एक फेम और शेम नाम का शो है उसमें, और भाई वहाँ पर जो डायरेक्टर है उसने उसको बुलाया है। तो भाई माइकल पूछता, उस लड़की का टैलेंट क्या है जो वहाँ पर गई है? तो कहता है, शी इज़ डांसिंग देयर। भाई तभी माइकल सीधा गुस्से में आके बोलता, भाई शी इज़ अ वेरी बैड डांसर, ऐसे कैसे जा सकती है? भाई उसकी वाइफ कहती है, यार ऐसे मत बोलो, बाहर से एक बंदा आया हुआ उसके सामने तुम ऐसे बोल रहे हो। तो भाई ट्रेवर और माइकल दोनों का जो था गुस्सा, ट्रेवर कहता, चल हम उसको लेकर आते हैं। माइकल कहता, हम? कहता, हाँ हम, वो बेटी दे रही है, हमारे बीच में जो शॉर्ट लाइक इशू था उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, फिलहाल बात है उस बेटी को वापस लाने की, लीव एवरीथिंग एंड चल मेरे साथ। फिर ट्रेवर और माइकल दोनों निकल जाते हैं, उसकी वाइफ पीछे देखती रह जाती है, भाई ये बंदे, पहले माइकल वैसे ही सरफिरा था, ट्रेवर 5 गुना ज़्यादा सरफिरा है, तो ये दोनों बंदे जाकर वहाँ पर करने क्या वाले हैं? घर वालों को लाइक इसी दुविधा में छोड़ कर ये दोनों निकल गए हैं। फिलहाल भाई सिचुएशन है सच में खतरनाक, बिकॉज वहाँ पर जो डायरेक्टर उनका ऑडिशन ले रहा है ना, उस डायरेक्टर की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बताई नहीं गई है। भाई सुबह सुबह का टाइम था, थोड़ा सा टाइम और बिताने के बाद थोड़ी सी धूप निकल आई है, और हल्की धूप के मौसम में सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं, और उनका जो शो था उसका भी ब्रॉडकास्ट लाइक जो ब्रॉडकास्टिंग है वो भी स्टार्ट होने वाली थी।
थोड़ी देर बाद शो होने वाला था, अगर वो शो लाइव हो जाएगा तो भाई इज्जत के एल लग जाएंगे, उससे पहले इन सबको सारी सिचुएशन संभालनी पड़ेगी। फिर ट्रेवर और माइकल रास्ते में बात करते हुए जा रहे हैं कि भाई तूने इतने साल किया क्या। माइकल बताता भाई मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, मैंने गाड़ियाँ वगैरह इनसे इन्वेस्ट किया और थोड़ी बहुत मैंने चोरियाँ भी की, जिसकी मदद से बीच शहर में मैं इतना तगड़ा बंगलो ले पाया हूँ। तो वो पूछता है ट्रेवर से भाई तूने क्या किया। भाई ट्रेवर कहता है कि भाई मैंने भी बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि चोरियाँ, दूसरा मैंने चोरियाँ की, तीसरा मैंने डाके डाले और चौथा मैंने फिर से चोरियाँ की। तो मेरे पास भी अच्छा खासा अमाउंट है लेकिन इज्जतदारी वाला घर नहीं है, इज्जतदारी वाली फैमिली नहीं है, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से अब तक इन्हीं कामों में हूँ। क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं पुलिस वालों से बचकर निकला था तब यही कुछ बच गया था मेरे पास। तो फिर माइकल कहता है यार तेरे साथ बिताए हुए बहुत सारे टाइम मेरे को याद आते हैं कि हमने कैसी कैसी टाइप की रॉबरीज की थी और उस टाइम पे तू कितना ज़्यादा यूज़फुल था, बस तू निडर आदमी है। तो ये सारी चीज़ें बातें चलते चलते वो लोग पहुँचने वाले ऑलमोस्ट। फिर वो कहता भाई तेरी लड़की कर क्या रही है आजकल। तो वो कहता भाई उसको सिर्फ मूवी में काम करने का शौक है, पहले भी मैंने डैडीज लिटिल गर्ल वाले एपिसोड में उसको बताया था, जो लोग बैड मूवीज़ बनाते हैं उनके साथ वो इन्वॉल्व हो गई थी और अब ये फेम और शेम वाले गेम में इन्वॉल्व हो गए, बिकॉज उसको पता नहीं किस बात का फेम चाहिए। आजकल फेम वेम के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यूथ के अंदर, बिकॉज भाई ये चीज़ें ना एक पॉइजन की तरह होती हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप नशा कर रहे हो, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो आपको अंदर से ख़त्म कर रही होती है। तो भाई ऑलमोस्ट ऑडिशन सेंटर पर ये लोग पहुँच गए हैं। ऑडिशन सेंटर पर जाते ही भाई ट्रेवर को ऐसा लग रहा है कि ट्रेवर की बेटी है वो माइकल की नहीं है। ट्रेवर आया अपन गुस्से में भागते हुए, माइकल तो पीछे पहुंचा है। ट्रेवर कहता भाई मैं हूँ बहुत गुस्से में, तभी एक बंदा वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आता है, भाई हम आपको पूछता आपको किससे मिलना है। ट्रेवर बताता मुझे किससे मिलना, भाई उस बंदे का नाम बताया जिसने यहाँ पे ऑडिशन चलाया है, उस बंदे का ऑडिशन मैं लेता हूँ आज। भाई इतनी सी बात बोलकर बंदा आगे जा रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हुए जो ऑडिशन देने के लिए आए हुए हैं। ट्रेवर और माइकल सीधा ऑडिशन रूम के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पर एक छजिंदर सा लड़का कूदा फांदी कर रहा होता है और ये है वो डायरेक्टर जिसकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बताई गई है। तो भाई इसको लड़के के साथ तो कुछ गलत करते हुए हमने देखा नहीं, पर जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है वो है माइकल की बेटी। और भाई इसने जो ड्रेस पहनी हुई है वो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी या बुरी है, बुरी ही है मेरे हिसाब से। और भाई जैसे ही वो ट्रेवर और माइकल को देखती है तो वो फिर डायरेक्टर को देखती है और बैठी है कि करूँ तो क्या करूँ। भाई तभी वो जैसे ही ट्रेवर को देखती है कहती ट्रेवर अंकल आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग यू, वो भाग कर जाती है उसे गले लगा देती है सेइंग कि भाई बहुत अच्छा लगा बार बार। फिर तभी वो याद करती है उसका ऑडिशन भी चल रहा है और उसको डांस करना है, जो कि डांस उसको आता ही नहीं है, डांस का डी होता है ना उसको डांस का एस भी नहीं आता है, सॉरी डांस में एस होता है, सो इसको डांस का पी भी नहीं आता है, पी होता ही नहीं है डांस में, तो इसके अंदर भी डांस नहीं है। तो भाई ये डांस के नाम पर कुछ अलग ही वाहियात हरकतें भाई चल रही है, जिसको देखकर माइकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। और ड्राइवर कहता भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मिस्टर डायरेक्टर, एक बार ये ऑडिशन ख़त्म हो जाए फिर तुझे बताता हूँ। भाई तभी जो डांस था वो किसी अलग ही हरकत में बदल गया है, डायरेक्टर अपनी हरकत से बाज आ नहीं रहा है, वो ऑन स्टेज ऑन कैमरा ही स्टार्ट हो गया। भाई ड्राइवर ने उठा लिया कुर्सी और माइकल ने दिया उसका धक्का, धक्का ही नहीं वो तो हक्का बक्का हो गया। भाई माइकल कह रहा था मैं तुझे जान से मार दूंगा। भाई बीच में आया बॉडी गार्ड जिसको ट्रेवर ने लगा दिया ठिकाने, भाई वो डायरेक्टर यहाँ से भाग गया। तो भाई जो बेटी है वो तो सही सलामत घर पहुँच जाएगी, क्योंकि डायरेक्टर से ही खतरा था, डायरेक्टर खुद भाग गया। तो फिलहाल ये वगैरह डायरेक्टर के पीछे, भाई इस डायरेक्टर को ना सबक सिखाना पड़ेगा। अगर ये डायरेक्टर ठीक था सही सलामत बच गया तो ये किसी और के साथ भी फिर ऐसा करेगा, तो इसको मारना बहुत ज़रूरी है। तो रेड कलर की कार में वो निकला है अभी और हमने ले लिया है ट्रक, वो भी इन्हीं के ऑडिशन स्टैंड का। भाई इसी ट्रक से उसको मारने वाले हैं आज, भाई मेरा तो मन कर रहा है उसको रास्ते में कुचल के ही मार दूँ, पर इतना इजी नहीं होने वाला है, वो ट्रक बहुत हैवी और कंट्रोल करना मुश्किल रहेगा, पर उसका पीछा तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। भाई रेड कलर की कार में वो है, ट्रक में हम है, ट्रक बहुत हैवी है, मैं जिस ऑप्शन देख रहा हूँ तो मैं इसको डिटैच करने का भी कुछ ऑप्शन होगा ना, डिटैच करने का अगर ऑप्शन है तो इसको डिटैच कर देते हैं और फिर उसका करते हैं पीछा। आई थिंक ऑप्शन मुझे मिल गया, भाई डिटैच कर दिया है मैंने।
डिटैच करने के बाद उस गाड़ी के पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं, और अब आई थिंक कंट्रोल बहुत अच्छे है भाई। गाड़ी में टक्कर उन्हें जबरदस्त मारी है, पर फिर भी वो निकल गया आगे, बिकॉज वो सीधा सीधा था, उन्होंने सीधा पीछे से ही टक्कर मारी है, उसका बैलेंस बिगड़ा नहीं। ये ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, बट जिस हिसाब के ट्रक के कंट्रोल था ना, मुझे लग रहा है उसको खोना दे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक, बिकॉज भूखा मांगे रोटी और यूट्यूबर मांगे सब्सक्राइब, दोनों को दोनों चीज़ें मिल जानी चाहिए, तभी वो मोटिवेट रहते हैं। और अगर आप मोटिवेट करते हो तो आपसे बड़ा रणवीर कोई है नहीं। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक डिज़र्व करता हूँ, आप लोगों के लिए डेली वीडियोज़ बनाता हूँ और रेगुलरली आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो भाई ये थी हमारी चौथी टक्कर, इसके बाद भी उसकी मजबूत गाड़ी उसको लाइक ले जाते जा रही है अपने रास्ते पे। और भाई पता ही नहीं चल रहा कि चल क्या रहा है भाई, तेरे में तो बम लगा के मार रहे थे इसको। भाई बम लगा के मार भी नहीं सकते, बहुत बड़ा डायरेक्टर है, अगर मार दिया तो ये केस पूरे पूरे सिटी की पुलिस के नज़र में आ जाएगा, और उसके बाद भाई भगवान ही मालेगा इनका। भाई देख लो उसने राइट कट मारा और हमारा ट्रक पूरा उल्टा हो गया है। फिर ट्रक को जैसे तैसे हमने सीधा किया है, और सीधे ट्रक को एक आदमी को कुचलते हुए हम लोग ले गए उस गाड़ी के पीछे। भाई फिलहाल वो जो गाड़ी है वो आई थिंक स्लो हो गई है, स्लो क्यों हो गई मुझे समझ नहीं आया, और स्टिल वो अभी हमारे कंट्रोल के अंदर है। और भाई ये है वो हाईवे, ये आई थिंक ये लाइक जो हाँ नहर की तरफ लेके जा रहा। भाई नहर नहीं, एक्चुअली गंदा वाला नाला है ये सिटी का, इसमें गंदा पानी बहता है। भाई इसी गंदे पानी से होते हुए हम लोग जा रहे हैं इसके पास। भाई मुझे नहीं लगता इसकी गाड़ी ज़्यादा चल पाएगी, चार टक्कर हमने मार दी थी, उसमें धुआं ऑलरेडी निकल रहा था, एंड वी वेर राइट, गाड़ी इसकी ज़्यादा देर तक चल नहीं पाई है, यहीं पर इसकी गाड़ी रुक गई है। और भाई यहाँ पर ये डरा हुआ सा हका पक्का सा बिल्कुल खड़ा हुआ है। भाई माइकल इसको कुछ बोलता है इससे पहले तो ट्रेवर ने इसको पकड़ लिया है। भाई ट्रेवर है पूरा गुस्से में, माइकल का जो गुस्सा है वो भी भाई ये स्प्रे निकालने वाला है। तो इसको बोलता है कि एक्सक्यूज मी मिस्टर थर्ड पार्टी, जब तेरे से कुछ होता नहीं है तो इतनी सारी लड़कियों को तू लेके एक्सप्लॉइट क्यों करता है। वो कहता भाई देखो मन तो मेरा भी करता है, हो नहीं पाता तो क्या कर सकता है, हो नहीं पाता तो क्या ही कर सकता है। वो बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता भाई, ट्रेवर को बड़ा गुस्सा आता है। ट्रेवर कहता है एक काम करता है, मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे ऑडिशन देना पड़ेगा, और ऑडिशन होगा मेरे तरीके से, अपनी मैंट उतार और डांस करके देगा। भाई माइकल कहता है यार ऐसे मत कर, बिकॉज ये बाद में केस भी कर सकता है। ट्रेवर कहता है मेरे पे केस कर दे, मैं ऑलरेडी वांटेड हूँ 15 देशों की पुलिस में। तो माइकल कहता है चल कोई नहीं तू इंजॉय कर। भाई ट्रेवर निकालता अपना फ़ोन और इसको पैंट निकाल कर डांस करने के लिए मजबूर करता है। गाना चला दिया चिकनी चमेली का, तो आई चिकनी चमेली खुल के अकेली को वाह चढ़ा के आई, ऐसा कुछ गाना चल रहा है। और भाई इसने डांस करना कर दिया स्टार्ट, और नाचना ढाने आंगन टेढ़ा वाला सीन है। ये कवर मटका तो दी है इसने, लेकिन करण जौहर को फिर भी मैच नहीं कर पा रहा है। सुबह लड़खड़ाते ये गिर गया है, और ट्रेवर को उसकी मनचाही वीडियो मिल गई है, तो अब वो उसको और ज़्यादा परेशान करेगा नहीं। तो मैं इस फिलहाल के लिए इस वीडियो को करते हैं एंड, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी, ठीक थी अच्छी थी बुरी थी, कुछ तो ज़रूर बताना यार, फीडबैक बहुत मैटर करता है आप लोगों का। फिलहाल मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर वालों को रखो ध्यान, और आप सबको राम राम। और भाई सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों की तरफ से मुझे। माइकल इस सारी चीज़ों के बाद बाहर निकल गया इस एरिया से, जहाँ पर उसको उसकी मनचाही चीज़ें हो गई हैं, कि बेटी सही रास्ते पे आ जाए, बस इतना ही चाहता है वो भी, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। तो भाई माइकल ने ही वाला मिशन कर दिया है पास। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।